सर इतना बड़ा नेटवर्क आपने बिल्ड किया, ढेर सारे अचीवर्स पैदा हुए, और ओके लाइफ के बारे में एक और विख्यात है मार्केट में कि ओके लाइफ में कोई लीडर आके यहाँ अचीवर नहीं बना है, सारे मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो कभी अचीवर थे ही नहीं एक्चुअली, या फिर यूं बोलूं कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे अचीवर्स यहाँ पैदा हुए जो कि फ्रेशर थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग या तो पहली बार स्टार्ट की थी या किया भी था तो कुछ उनके अचीवमेंट नहीं थी, 10-5 हज़ार के ऊपर अचीवमेंट नहीं थी। सर ये कैसे पॉसिबल हो पाया आपके हिसाब से? देखिए मैं फिर एक चीज कहता हूँ, रिवोल्यूशन इसी का नाम होता है। अफोर्डेबल प्राइसिंग ने अपना काम किया, एजुकेशन ने अपना काम किया, जी 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 जी, आपके तरीकों ने जिन बेसिस पे आपने काम किया उन्होंने अपना काम किया, सेल बिल्ड होती चली गई, अचीवर पैदा होते चले गए, क्योंकि अचीवर्स सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बनाती है, ना आप बना सकते ना मैं बना सकता। मैं बोलूँ कि मैं सबको अचीवर बना दूंगा, ना साहब मैं नहीं बना सकता ना आप बना सकते, अचीवर सिर्फ एक चीज़ बना सकती है सेल, और सेल निकालना जहां आसान है वहीं पे अचीवर निकालना आसान है। तो हमारे यहां सेल निकालना आसान था इसलिए अचीवर भी निकले, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था वो ज़्यादा बैलेंस्ड, ज़्यादा प्रैक्टिकल, इजी टू डू और इक्वल टू ऑल था, तो इसलिए वहाँ पे अचीवर्स ज़्यादा निकले। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, मैं आज बोल रहा हूँ साहब कि आने वाले 4 साल में सबसे ज़्यादा अचीवर्स हमारे पास होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं कस्टमर पे, कस्टमर जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा फायदा हमारे डायरेक्ट सेलर्स को होगा, क्योंकि कस्टमर आएगा तो सेल आएगी, सेल आएगी तो इनकम बनेगी। जी जी, और इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है साहब, जहाँ पे नए डायरेक्ट सेलर्स को आप लीडर बना सकते हो वही राइट सिस्टम है, जहाँ लीडर ही लीडर बने तो वो उसे आप सिस्टम नहीं कह सकते, वो तो लीडर की अपनी मेहनत है, जहाँ नए लोग अचीवर बन सकते हैं उसे सिस्टम की ताकत कहते हैं। और मेरा मानना इतना सा है कि अभी तो सिर्फ वो लोग अचीवर बनना शुरू हुए जो कभी अचीवर नहीं थे, अब वो दौर भी आएगा कि अचीवर आके और बड़े अचीवर बनेंगे, फ्रेशर्स और ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि अब प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ रही है, अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, अब आपकी ट्रेनिंग्स भी बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है अफोर्डेबल अपने आप में एक सबसे यूनिक सेल पॉइंट है, USP है, अफोर्डेबिलिटी वन थिंग, साइंटिफिक फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स दूसरी चीज, एथिक्स तीसरी चीज, इज ऑफ डूइंग बिजनेस चौथी चीज, और पांचवी चीज जिसे मैं कहता हूं ट्रस्ट, क्योंकि हम लोगों का एक ट्रस्ट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को ऊपर नहीं बैठा जाएगा, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसकी टीम इधर से उधर नहीं की जाएगी। कंपनी सेटल्ड हो चुकी है, लोग अच्छे खासे इनकम उठा रहे हैं, कंपनी मतलब जितनी 5 साल में कंपनीज खुली है ना, द बेस्ट कंपनी ये है, टर्नओवर अच्छा कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसे केस में इस तरीके से भी मेहनत करते ही नहीं लगातार, तो फिर कंपनी खोलने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे लगातार तो ये क्या लॉजिक है? अगर आपने कंपनी पैसे के लिए खोली है जी तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है,